आप लोगों को मैंने सुबह में पहले बता दिया था कि इंडियन एयरफोर्स की तरफ से परमानेंट वाली निकल कर आ रही है ITI स्टूडेंट 10 और 12 वालों के लिए। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि फॉर्म को कैसे भरना है। तो इस वीडियो को अंत तक देख लीजिएगा तो कोई भी आप लोग को दिक्कत नहीं होगा फॉर्म भरने में। तो जितने भी कैंडिडेट वीडियो को नए देख रहे होंगे सभी से मैं रिक्वेस्ट करूँगा सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को ज़रूर ये वीडियो शेयर कीजिएगा। तो देख पा रहे होंगे ये अभी इंडियन एयरफोर्स का मैं ऑफिशियल एडवर्टिजमेंट पे आ चुका हूँ। यहाँ पे लगभग आप लोग का 1524 के आसपास सीट है यहाँ पे टोटल, और डिफरेंट डिफरेंट आपका जो यूनिट्स है उनका यहाँ पे बहाली निकला है। तो देखिए एक कैंडिडेट कोई भी अदर जो आपका यूनिट है अलग अलग जगहों पर अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते आप लोग को फिर अलग अलग आपको भेजना होगा ऑफलाइन मोड में। तो देखिए कैसे अप्लाई करना है, मैं आप लोग को स्टेप बाय स्टेप करके बताता हूँ। तो देखिए ये अभी एडवर्टिजमेंट जो निकला है आज के डेट में, आप लोग 30 दिन के अंतर्गत इस बहाली को आप लोग को भेजना होगा। 30 दिन के अंतर्गत फॉर्म भर के भेजना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग इसको ऑफलाइन मोड में भरना है, ऑनलाइन मोड में नहीं अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे देख पा रहे होंगे 30 दिन लिखा हुआ है। तो जो पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करना है वो पोस्ट आप लोग चूज कर लीजिएगा, ठीक है। और जो मैंने बताया कि अलग अलग पोस्ट है तो अलग अलग आप भरना चाहते हैं 10th पे या ITI पे वो भर सकते हैं, बशर्ते आप लोग को अलग अलग भेजना होगा। तो देखिए यहाँ पे मैं बता देता हूँ इसको कैसे भरना है। तो देख पा रहे होंगे ये है आप लोग का एप्लीकेशन फॉर्मेट, और यहाँ पे लिखा गया है इस पर आपको टाइपिंग करवाना होगा। आपका MS वर्ड शीट में आप लोग टाइपिंग करवा सकते हैं। यहाँ पर लिखा गया है, दिखा दे रहा हूँ यहाँ पर कि हाउ टू अप्लाई में लिखा गया है, कि एप्लीकेशन एज पर फॉर्मेट गिवन अंडर टाइप्ड इन इंग्लिश इन हिंदी डल्ली सपोर्टेड विथ इन फॉलोइंग डॉक्यूमेंट इज रीच टू कंसर्ट एयर फोर्स स्टेशन एज पर च्वाइस विथ इन 30 डेज़। यानी कि आपको ये टाइप करवाना होगा, और यहाँ पे जैसे टाइपिंग सभी चीज़ आप लोग को यहाँ पे पता होगा, एप्लीकेशन आपका कौन सा पोस्ट के लिए अप्लाई करना है कौन सा यूनिट में, तो आप लोग को वहाँ पर यूनिट ऊपर में पता चल जाएगा। यूनिट जो लिखा हुआ रहेगा वही यूनिट के लिए आप अप्लाई करना होगा। जैसे कि कोई मान लेते हैं एयर ऑफिसर कमांडिंग एयर फोर्स स्टेशन वाराणसी UP में अप्लाई करना है, तो इसके लिए अप्लाई करना होगा और यही एड्रेस पे आप लोग को भेजना है। तो देखिए यहाँ पे अप्लाई कैसे करना है मैं बता देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर आप लोग ने पोस्ट का नाम भर दिया, मान लेते हैं कि टर्नर है और कौन सा यूनिट ये भर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपको फ़ोटो चिपकाना होगा, जब वो प्रिंट निकल जाएगा तब फोटो चिपकाना है। उसके बाद यहाँ पर पोस्ट अप्लाई, उसके बाद नेम डाल दीजिए ब्लॉक लेटर में, उसके बाद फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ हो गया, उसके बाद आपका एज कितना पूर रहा है, मान के चलिए जो अभी महीना चल रहा है 1 अप्रैल तक आप कैलकुलेशन कर लीजिए। उसके बाद आपका एड्रेस भर दीजिए परमानेंट एड्रेस, उसके बाद आपका कैटेगोरी हो गया कास्ट, उसके बाद आपका क्या क्वालिफिकेशन है, अगर एक्सपीरियंस है तो वो भी डाल सकते हैं, उसके बाद आपका कहाँ के निवासी है डोमिसाइल वहाँ के डाल सकते हैं। उसके बाद आप लोग का यहाँ पर सिग्नेचर लगेगा, अगर आप एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में रजिस्ट्रेशन करवाया है तो वो भी डाल सकते हैं नंबर। उसके बाद यहाँ पे आप लोग को कुछ इसमें भरना नहीं है, इसमें सिर्फ आप लोग को फ़ोटो लगा देना है और ऊपर वाले में ही भरना है। तो ये भरने के बाद आप लोग को मैंने बताया कि जो यूनिट का भरिएगा वही एड्रेस पे आप लोग को भेजना है। तो भेजना कैसे है, आप लोग एक इन्वॉल्प खरीद लीजिएगा और उसमें 10 रुपया का स्टाम्प लगवाना होगा। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे 10 रुपये का स्टाम्प लगवाना होगा, और कौन कौन सा डॉक्यूमेंट अटैच करना है। तो देखिए जो आप लोग का अटैचमेंट करना है वो आप सर्टिफिकेट 10th का मार्कशीट हो गया, सर्टिफिकेट हो गया, अगर आप ITI में भर रहे हैं तो ITI का मार्कशीट हो गया, सर्टिफिकेट हो गया, उसके बाद आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगा सकते हैं, उसके बाद आप कास्ट सर्टिफिकेट आप लोगों को लगाना पड़ेगा। अगर OBC में तो सेंट्रल गवर्नमेंट का कास्ट सर्टिफिकेट लगाइएगा, अगर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो वो भी एक्सपीरियंस लगाइएगा, और आप लोग का एज के लिए आप 10th का सर्टिफिकेट लगा सकते हैं, फिजिकल अगर हैंडीकैप्ड है तो वो भी आप लोग लगा सकते हैं। तो ये सभी लगा करके आप लोग को 30 दिन के अंतर्गत आप लोग को स्टाम्प पे 10 रुपये का स्टाम्प लगा के इन्वॉल्प में आप लोग को जो एड्रेस पे अप्लाई करना है उस एड्रेस पे आप लोग को भेजना है, ठीक है। तो आप लोग को आई होप सारा बात क्लियर हो गया होगा। इसको यहाँ पे लिखा गया है टाइपिंग कराने का, तो आप लोग टाइपिंग करा के ये डल्ली फॉर्मेट में आप लोग भेज सकते हैं। अलग अलग जगहों के लिए अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग अप्लाई करना होगा, जैसे कि किसी का 10th क्वालिफिकेशन है तो 10th पर अप्लाई कीजिए, ITI है तो उस पर भी अप्लाई कर दीजिए। तो आई होप आप लोग को सारा जानकारी मिल गया होगा इस वीडियो में। अगर कुछ भी डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा, मैं वहाँ पर उत्तर देने की कोशिश करूँगा। अच्छा लगा होगा लाइक कीजिएगा, चैनल पर न्यू तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलूंगा नए वीडियो में नई जानकारी, तब तक के लिए धन्यवाद।